ready let's go happy birthday, to you. Happy, birthday to you. happy birthday to you hi guys welcome back to my channel welcome back to my birthday series wherein i'll be posting a video every day for 12 days straight and for today's video i'll be trying out the viral makeup hacks बहुत सारे हैक्स वायरल होते हैं पहले टिकटॉक पे होते थे अब इंस्टाग्राम रील्स एंड शॉर्ट्स पे हो रहे हैं बट सम ऑफ देम आर लाइक लिटरली क्रेजी मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग में से हैक्स आ कैसे जाते हैं बट अ लॉर्ड ऑफ टाइम दोज हैक्स एक्चुअली वर्क बट आज हम देखेंगे क्या जो हैक्स मेरी फीड पे वायरल हो रखे हैं वो एक्चुअली काम करते हैं या नहीं ताकि आपको पता चले कि वो आपका मेकअप रूटीन ईजी करेंगे कि डिफिकल्ट करेंगे एंड मैं एक छोटा सा स्पॉयलर आप लोगों को दे देती हूँ लुक एट माई आई लाइनर टूडे एंड

तो so, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैक है आपको बस अपने फाउंडेशन को स्पैचुला की हेल्प से बहुत पतली पतली लेयर्स में लगाना है एंड देन यू हैव टू ब्लेंड इट लाइक यूजुअल विद ब्यूटी ब्लेंडर तो सबसे पहले मैं अपने पैलेट में थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी एंड आई एम यूजिंग द लैक में नाइन टू फाइव फाउंडेशन सो आई एम टेकिंग अ लिटिल ऑफ फाउंडेशन ऑन माई प्लेट एंड मैंने थोड़ा सा ही लिया है बिकॉज हमें वो स्पैचुला की हेल्प से लगाना है तो एनी वेज ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा आई हैव दिस स्पैचुला राइट इसी पैलेट के साथ आई थी वॉट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डिप इट इन द फाउंडेशन फ्रॉम द साइड्स बेसिकली एंड देन आई हैव टू अप्लाई लाइक अ थिन लेयर आई डोंट नो इफ इट वुड बी इनऑफ बट लेट्स आई थिंक बेसिकली इस हैप हाँ का पर्पज़ uh, ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए एंड बिकॉज लाइक एक बहुत लाइट फाउंडेशन की लेयर लगेगी तो यू you नो know, आपका फेस इतना केकी नहीं लगेगा सो लेट्स सी इफ़ दिस वर्क्स और नॉट अभी मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी काफ़ी ज़्यादा लाइट फाउंडेशन की लेयर लगी है आई थिंक देयर इज़ नथिंग दैट वुड नॉट वर्क इन दिस हैक बस ये है कि हमने कम फाउंडेशन लिया है तो एक स्किन लाइक फिनिश आएगी एंड लाइक कवरेज कम होगी ऑब्वियसली दैट इज वॉट आई फील अबाउट इट क्योंकि अभी मैं हल्का इसको ब्लेंड कर चुकी हूँ एंड आई कैन सी दैट इट इज गिविंग लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्किन लाइक फिनिश एंड ये जो फाउंडेशन है इट इज़ लाइक अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन बट अभी एक स्किन टेंट की तरह लग रहा है टू बी ऑनेस्ट दिस एक्चुअली वर्क्स एंड ऑनस्टली अभी आप बिल्कुल मेरे फेस पे बता नहीं सकते कि मैंने फाउंडेशन लगा रखा है कि नहीं आई डोंट नो इफ कैमरा में इट इज़ शोइंग अप बट इन रियल लाइफ मैं मिरर में देख रही हूँ एंड आई कैन नॉट टेल एट ऑल कि मैंने अपने फेस पर फाउंडेशन लगाया हुआ है बट येट आई हैव लाइक अ वेरी इवन स्किन टोन क्योंकि मैंने एक्चुअली फाउंडेशन लगा रखा है सो आई थिंक एवरी डे में वेन एवर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हम कम लेते हैं बद दिन भी डॉटेड तो एक जगह पर ज्यादा प्रोडक्ट रहता है एंड देन इट लुक्स लाइक वी हैव अप्लाइड फाउंडेशन सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट हैक फॉर एन एवरी डे यूज एज तो आप अपना कोई भी मीडियम कवरेज फाउंडेशन ले कर आप इसको लगाओ है इस तरीके से सो इट वुल लुक वेरी वेरी नेचुरल एंड परफेक्ट फॉर एन एवरी डे बेसिस एंड ऑल्सो बिकॉज इतना कम फाउंडेशन यूज किया जाए तो पाउडर लगाने के बाद एंड ओवर द टाइम आपका मेकअप बिल्कुल के एक ही नहीं होने वाला है आई कैन अश्योर यू एंड इट लुक्स ऑल्सो ब्यूटिफुल सो इट इज़ अ डेफिनेट थम्स अप फ्रॉम माई साइड यू शुड ट्राई इट आउट फाउंडेशन के बाद अब हमें कंसील करना है एंड जितना लाइट कवरेज हमें इस फाउंडेशन हैक से मिला है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारा कंसीलर हैक होने वाला है इट इज़ क्रेजी सो दिस हैक अपेरेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक बेस दे देगा एंड इतना सारा आपने कंसीलर लगाया तो कंसील तो कर ही देगा एंड ऑल्सो दिस हैक वुड गिव यू लिफ्टेड लुक अपेरेंटली सो लेट्स ट्राइट आउट मैं अपने स्किन टोन का एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सो so हमको चश्मा बनाना है एंड आई एम गन गो ऑल इन विद द कंसीलर दिस इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू फील वेरी व्यड एंड नोट वेरी यूजफुल टू मी बट लेट्स सी क्या पता काम कर जाए क्या पता कुछ डिफरेंट हो इससे बट इवन इफ इट वर्क्स आई डोंट थिंक आई विल वेस्ट दिस मच ऑफ कंसीलर ऑन माय फेस एवरी डे इट इज़ लाइक अ वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड आल्सो इतना सारा क्यों ही लगाना है थोड़ा सा इधर चश्मा मेरा डिफरेंट शेप में जा रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरे एक मां है सो माई टेज वेल कवर दैट इज वेल सो दिस लुक्स हॉरेबल आई मीन बट बिकॉज मेरा जो कंसीलर है बिल्कुल मेरी स्किन टोन का ही है तो इट् स्टिल डजेंट लुक दैट बैड जो उन्होंने कंसीलर लगाया था इट वॉज वेरी लाइट एंड येलोइ फॉर हर स्किन टोन सो आई डोंट थिंक दिस वुड यू नो लाइट इन अ बट लेट मी ब्लैंड आउट ओके इट इज़ ब्लेंडिंग नाइसली बट इसमें हैक का कुछ काम नहीं है इट इज़ जस्ट बिकॉज द कंसीलर इज वेरी वेरी नाइस बट वन थिंग दैट आई वुड से इज दैट माई अंडर आइज़ लुक एक्सट्रीमली फ्लॉलेस एंड लाइक बिल्कुल भी अंडर आई पिगमेंटेशन नहीं है अंडर आइज़ लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुली कंसील्ड बट आई डोंट थिंक इसमें हैक का कुछ काम है देखो मेरी अंडर आइज़ कितनी ज़्यादा यू नो फ्रेश लग रही है बट आई डोंट थिंक इसमें इस हैक का कुछ भी हाथ है बिकॉज इतना सारा कंसीलर आप किसी भी शेप में लगा लो योर अंडर आइज वो डेफिनेटली लुक दिस फ्लॉलेस क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट लगा है बट आई थिंक या जो हैक ने बोला था वो तो इसने किया है इट डेफिनेटली हैज़ गिवन अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट बट अगर आप इस हैक को एक लाइटर कंसीलर के साथ करोगे सो यू वुड भी एबल टू सी दैट लिफ्ट मोर प्रोमिनंटली क्योंकि मेरी स्किन टोन का है सो इट हैज ब्लेंडेड वेरी वेल विद द फाउंडेशन अगर ये हल्का सा लाइट होता है यू वुड हैव सीन दैट लिफ्ट योर बिकॉज ऑफ द चश्मेगा डंडा एंड इट हैज़ कंसील्ड माई अंडर आइज ब्यूटिफुली माई अंडर आइज लुक फ्लॉलेस बट वुड आई सजेस्ट यू टू डू दिस हैक

एंड वो चश्मे का शेप आई डोंट थिंक हैज़ डन एनी थिंग यू नो एक्स्ट्रा फोर मी आप ऐसे अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड दिस वे इफ यू अपलाई इट ऑन द आउटर कॉर्नर यूल स्टिल गेट द सेम लिव सो आई थिंक दिस हैक वुड बी अ थम्स डाउन फ्राम माई साइड आई मीन इट डज अबउट इट सेज बट डो आई थिंक इट इज़ यूजफुल नो सो पास ऑन इट इतना सारा कंसीलर लगा के हम ऑलरेडी वरीड की इट वुड स्टार्ट क्रीजिंग अंडर माई आईज बट आई कै नॉट सेट इट येट क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट हैक है इट इज़ अ कॉन्टोर हैक सो बेसिकली दिस इज़ द परफेक्ट हैक फॉर मी इफ इट वर्क एंड अगर आपके भी मेरी तरह चबी चीकस हैं लाइक लुक एट द अमाउंट ऑफ फैट आई हैव ऑन माई फेस आई हैव इट ऑल ओवर माई बॉडी एनी वेज बट फेस पे भी है सो टू कॉन्ट्रोल दैट दिस इज़ द हैक दैट यू नीड टू फॉलो लेट सी इफ इट वर्क और नॉट सो आई हैव टेकन दिस कॉन्ट्रोल स्टिक फ्राम एन वाई बे एंड वॉट शी डिड वॉज उन्होंने एस एस एक ऊपर की तरफ को बनाया एंड देन उसी में शी टूक इट डाउन वड्स लाइक दिस आई थिंक आई हैव डन इट करेक्टली या सो नाउ यू हैव टू ब्लैंड इट आउट अभी मैं इसको एक ही तरफ कर रही हूँ ताकि वी कैन सी द डिफरेंस इफ इट इज़ वर्किंग ऑन नॉट सो मैं इसको ब्लैंडर की मदद से उसी जगह पर ब्लैंड कर रही हूँ ताकि मेरा पूरा फेस ज़्यादा ही यू नो मडी सा ब्राउन ब्राउन ना लगने लगे सो एम जस्ट ब्लैंडिंग एट आउट इन प्लेस डू वी सी अर डिफरेंस

बट ऐसे कट करने की वजह से जो यू घेट दैट अ शैडो या एक्चुअली आई थिंक इट वर्कड आई कैन सी द डिफरेंस लाइक यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक मोर चबी एंड फैट यहाँ पे इट इज लुकिंग लाइक ये जो कट आया है सो आई थिंक इट वर्कड इट इज अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड यू कैन चेक इट आउट आई डू दैट ऑन द अदर चीक एज वेल एंड बी राइट बैक ओके सो आई डिटेट ऑन द अदर साइड इज वेल एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि इसने एक अच्छा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिया है मेरे फेस को सो इट इज़ अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड एंड लेट्स मूव टू द ब्लश हैक नाउ अगेन ये एक क्रीम ब्लश हैक है एंड ये हैक मैं पहले कर चुकी हूँ so सो ये हैक मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ एंड पहले मैंने ट्राई किया था एक uh, टिंट के साथ एंड इट टर्न आउट ब्यूटिफुल मतलब उस दिन से आज तक दैट इज माई एवरी डे मेकअप लुक मतलब मैं कहीं भी ऐसे पास ही में जा रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू डू अ लाइट मेकअप सो दैट इज़ वॉट आई गो फॉर इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड मोनोटोन अभी मैं यूज़ करूंगी एक पिंक कलर की लिपस्टिक बिकॉज आई एम फीलिंग अलॉट पिंक दीज डेज विंटर्स में स्पेशली सो आई एल यूज़ दिस पिंक लिपस्टिक एंड किचरीना कैप ने भी शेयर किया है ये हैक uh, बट उन्होंने तो अभी रिसेंटली शेयर किया है मैंने काफ़ी पहले किया था ये हैक एंड uh, पता नहीं मैंने कहाँ देखा था ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था सो वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू अप्लाई योर ब्लश योर एंड बिकॉज आप हर जगह सेम कलर यूज कर रहे हो सो एक मोनो टोन लुक मिलता है देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर आईलेट्स उसके बाद अपने नोज के यहाँ पे थोड़ा सा चिन के यहाँ पे सो दीज आर ऑल द प्लेसिज डेट यू हैव टू अप्लाई द लिपस्टिक और टेंट और मे बी क्रीम ब्लश जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो एंड देन यू हैव टू ब्लेंड इट आउट सो इसको डोइन बोलते हैं मुझे इसका नाम नहीं पता था आई जस्ट न्यू इट बाई द नेम कोरियन ब्लश हैक सो या इसका नाम भी है मुझे अच्छे से प्रनाउंस करना तो नहीं आ रहा है बट देन या आई जस्ट ब्लेंड इट क्विकली एंड देन वील सी इफ़ इट वर्क और नॉट ऑल दो आई नो इट वर्क एंड आई लव इट बट स्टिल आई शो यू गाइज वॉट इट लुक्स लाइक इफ़ इन केस यू हैव मिस दैट शॉट ऑफ माइंड नाउ दैट आई हैव ब्लेंडेड इट आप क्लियरली देख सकते हो कि माई फेस इज़ लुकिंग वेरी पुट टूगेदर बिकॉज एवरी थिंग इज़ इन द सेम टोन ऑफ पिंक एंड जब भी हम लोग यूजअली ब्लश लगाते हैं हम चीक्स पे इधर टेम्पल तक तब भी ले जा लेते हैं बट लेटली आई एव नोटिस कि उसकी वजह से ना फेस उतना ज़्यादा पुट टूगेदर नहीं लगता है सो so मैं जब भी ब्लश अप्लाई करती हूँ चाहे लिक्विड ब्लश हो क्रीम ब्लश हो मैं हल्का सा उसको अपनी नोज पे यहाँ चेन पर लगा लेती हूँ तो पूरा फेस इकट्ठा अच्छा लगता है एंड आई लव दिस ट्रेंड अगर आपने नहीं ट्राई आउट किया है तो अभी जाके करो इट इज़ अ डेफिनेट थम्स अप फ्रॉम माई साइड एंड आई

सो so, उन्होंने यूज़ किया था नैक्स का स्टिक मेरे पास वो नहीं है बट आई हैव अ वाइट पेंसिल सिमिलर टू दैट क्योंकि वाइट ही उन्होंने यूज़ किया था सो बेसिकली यू हैव टू यूज़ दिस वाइट पेंसिल एज योर हाई लाइटर एंड आई सी हाउ दैट कैन वर्क क्योंकि हम लोग लाइट कलर का कंसीलर भी यूज़ करते हैं टू हाईलाइट वाइट पेंसिल इज डूइंग द सेम थिंग जस्ट दैट मैं धीरे धीरे करके अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट वुड एंड अप लुकिंग बट yeah, या आई कैन सी इट इज़ वर्किंग क्लियरली क्योंकि वाइट पेंसिल मेरे फाउंडेशन या कंसीलर के साथ मिक्स होके उसको लाइट कर दे रही है एंड देन इट इज़ या इट इज़ हाई लाइटिंग माई फेस माई नोज इज क्वाइट हाईलाइटेड आई यूज इट ऑन द इनर कॉर्नर इज़ वेल यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस अंडर द ब्राउ आप देख सकते हो दोनों आइज़ में डिफरेंस ये हैक तो बिल्कुल काम करता है बट वुड आई यूज इट और वुड आई रिकमेंड बोन के नीचे अ डेफिनेट येस इनर कॉर्नर्स में बिकॉज ये पेंसिल क्रीमी पेंसिल है तो इसको थोड़ा सा ऐसा ब्लेंड करने में ना यहाँ से हल्का कंसीलर मेरा हट गया है एंड सेम हैपन टू माई नोज ऑल्सो मैं अपनी नोज़ पे ज़्यादा यू नो अग्रेसिवली रब करती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी नोज से बहुत जल्दी कंसीलर या फाउंडेशन हट जाता है सो आई थिंक आई वुड से लाइक अ साइड थम ऑन दिस क्योंकि मुझे बोन के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई वुड डेफिनेटली यूज़ इट अगैन ह्योर बट और किसी जगह पर आई डोंट थिंक यू नो इट इज़ वर्थ इट इससे अच्छा अगर आपको करना ही है तो आप लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ कर लो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ब्लेंड करने में बेटर रहती है अब आई डोन्ट नो इफ़ निक्स का जो जम्बो स्टेक है उसकी कंसिस्टेंसी इस काजल पेंसिल से डिफरेंट है बट लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रीमी काजल पेंसिल सो आई डोंट थिंक दैट इज द थिंग बट या आई वुड से साइड थम आप इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट बट ब्राउ बोन के नीचे इट हैज लिटरली मेड अ विजिबल डिफरेंस एंड आई एम लविंग दैट इफेक्ट सो नेक्स्ट इज अस्कारा हैक मेरे पास एक आई लाइनर हैक भी है बट मैं उसको थोड़ी देर में ट्राई करूंगी बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई एम श्योर इज गोइंग टू रोइन इन माई लुक so i'm just trying to delay it as much as possible i'm using this mascara today mere opinion mein ye mascara jo l'oreal paradise ka uska perfect dupe hai bas ye waterproof nahi hai and that is something that i like because उसको निकालने में तो भाई दो दिन लग जाते हैं आपका पूरा मेकअप दो दिन होके हट जाएगा वो एक दिन पहले का भी मस्कारा हटता नहीं है so I'll just clean off the mascara wand. एंड उसके बाद हम लोग वो हैक ट्राई करेंगे सो so, मैं अपनी एक आँख पे जैसे मस्कारा लगाते हैं वैसे नॉर्मली लगा लूँगी आप देख सकते हो डिफरेंस डेट दिस मस्कारा हैज़ मेड आई लव इट और मैंने बहुत लाइटली सिर्फ एक सिंगल कोट लगाया भी सो so, अभी हम ट्राई करेंगे जो वायरल हैक है सो so, बेसिकली उन्होंने पहले अपना नॉर्मली मस्कारा जैसे लगाते हैं वैसे लगाया है आफ्टर दैट उन्होंने वर्टिकली रब किया है It is getting a business and again, the similarly. Oh my God! I can definitely see the difference. A look at the difference between both of my lashes. ये कितनी ज़्यादा curled, long और voluminous लग रही है, but because I think काफी सारा mascara भी लगा है इसमें थोड़ी सी ऊपर तक के भी लग चुका है, बहुत सारा तो. Oh my God! Okay, I have tried to fix the disaster as much as possible, but this hack has absolutely changed the look my mascara looks. Love it. मतलब काफी ज़्यादा voluminous और लंबे लंबे lashes हो गए हैं. And I think it has curled it even more because एक एक जो lash है वो अच्छे से mascara में coat हुई थी. Clumpy सी लगने लग गई थी. But then जब मैंने दोबारा इस तरीके से उसको लगाया. सो so, वो वापस से सेपरेट हो गई एंड दे लुक ब्यूटीफुल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप भी देख पा रहे हो गए थम्स अप फ्रॉम माई साइड कोई भी मस्कारा इस हैक के लिए आप यूज़ कर सकते हो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट हैक की तरफ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है इट कैन रोइन माई लुक तो इस हैक के लिए अब आप समझ सकते हो मैं इतना क्यों डरी हुई थी बिकॉज इट कैन एक्चुअली रू द लुक एंड uh, मैं एक पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ आई यूजअली डोंट यूज पेन लाइनर बट आई थिंक इस हैक के लिए सबसे अच्छा पेन लाइनर ही काम करेगा सो आई जस्ट हैव टू कीप इट योर एंड आई थिंक इट डजेंट लुक बैड लाइक सामने से देखने में इट इज़ लुकिंग ओके बट देन मैं यू कर रही हूँ तो इट इज़ जस्ट स्ट्रेट लाइन अक्रॉस माई आई आई थिंक अगर मैं इस तरीके से करके इसको नीचे थोड़ा ज्वाइन कर दूँ वाओ इट हैज क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल विंग मैं चाहूँ तो इसे अंदर भी ज्वाइन कर सकती हूँ बट या इट वर्क वेरी वेरी वेल फॉर क्रिएटिंग अ विंग आई डोंट नो दूसरी आँख पे सेम हो पाएगा कि नहीं बट आई ट्राई ओके लेट्स गो

ऑन पॉइंट टू डे आई लव दिस हैग पता नहीं एक ही बार में कैसे हो गया ट्रस्ट भी मैंने बिल्कुल कभी भी ट्राई आउट नहीं किया है एंड आई वॉज्रेड परसेंट नॉट इन आई वॉज अ हंड्रेड परसेंट श्योर दैट आई वु फेल इन दिस हैग बट आई एम जस्ट माइंड ब्लोन एंड अगर ये एक्चुअली रोज रोज काम कर गया लाइक विंगड आई लाइनर्स वेवर सो ईजी बस आई होप ये एक फ्ल्यूक ना हो इस लिप्स्टिक के लिए सारे ब्राउन टोन्स यूज कर रही हूँ सो लेट्सली प्रेस योर लिप्स लाइक दिस and then यू have to apply the लिपस्टिक अंदर and देन you'll open your लिप्स it would Like this pouty and juicy. Let's see if it works. Oh my god. What is this? I honestly think that it worked. I can see why it works. Kaffee is the fuller lips Like I'm not even doing that.

तो uh, ऑबियसली उसके वजह से भी थोड़ा सा uh, सब फैला फैला सा लग रहा है एंड ऑल्सो मेरे दोनों तरफ के जो लिप लाइन्स हैं वो एक नीचे एक ऊपर है सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई हैव टू यू नो वेरी केयरफुली डू माई लिप्स बट आई थिंक या 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 यू कैन ट्राई इट आउट वंस आई वुड गिव दिस हैक लाइक अ साइड थम बिकॉज इट वर्क्स बट इट जस्ट डज नॉट लुक गुड ऑन मी सो आप ट्राई आउट कर सकते हो एंड अगर आपके लिए काम कर जाता है आई मीन कैसे सोचते हैं लोग ये सारे हैक्स इट इज अनबिलीवेबल हाउ ब्यूटिफुलर डन आई विश मेरा लिप्सेप अच्छा होता है एंड दिस वे वर्क फॉर मी इट वै से हेसिल ऑफ डूइंग दैट यू नो लिप कॉम्बोज बहुत अच्छे से हुआ है आप एक बार ट्राई करके मुझे कॉमेंट्स पर जरूर बताना वर्क आउट फॉर यू और नॉट सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो एंड हेल्पफुल लगी हो क्योंकि अब आपको पता है कौन से हैक काम करते हैं आपको ट्राई करने चाहिए एंड कौन से यू हैव टू स्केप ऑन बट इट्स योर चॉइस इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू ट्राई आउट यू कैन बट या मुझे comment करके बताना कि आपको सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा कौन सा हैक आप ट्राई करना चाहोगे एंड अगर और भी कोई हैक से जो आपकी फीड पे वायरल हो रहे हैं उनके लिंक्स नीचे कॉमेंट्स में शेयर कर देना आई वुड लव टू मेक अ नदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड या प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया Channel go. Please take out a moment and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. And now I will see you tomorrow at the same time with a brand new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.